कि भगवान हमारी चमड़ियों को नहीं देखता, हमारे अंतःकरण मन की शुद्धता को पवित्रता को देखता है। हम अपनी चमड़ी को सोचें कि हम बहुत सुंदर हैं, वस्त्र पहन के आभूषण पहन के बड़े सुंदर बन जाएं, पर जो तुम्हारे अंदर कलुषता भरी पड़ी है, जो तुम्हारे अंदर पापाचार भरा हुआ है, पाप कर्म भरे हुए हैं, जो झूठ है, पखंड है, कपट है, छल है, जो प्रातल परोही दूसरे की सेजों पे सोने वाले लोग, जिनके मन में ऐसी गंदगी विष्ठा भरी पड़ी है, वहां भगवान कैसे आए, वो परमात्मा कैसे आए। भगवान तो भूखे भाव के नहीं मांगते दान, उसे ये नहीं लेना कि तेरे पास कितना धन है, तू कितना पढ़ा लिखा है, तू कौन से पद पर है। वो तो भक्त के अंतःकरण के भाव को जानते हैं, भावनाओं को जानते हैं, भावनाओं से भाव पैदा होते हैं। जब भगवान फिर वापस अयोध्या आ गए, लंका को विजय करके मां सीता को लेकर, फिर वो मिथिला जाते हैं। जब मिथिला जाते हैं तो उनकी सीता जी की माता जी सुनैना थी, उन्होंने 36 प्रकार के भोजन बनाए, स्वर्ण थाल को सजाया। तो भगवान बैठे उसमें कुछ देख रहे थे, निहार रहे थे। उन्होंने कहा, क्यों प्रभु? रघुवीर, क्या वनों में जाकर भोजन का स्वाद भूल गए? उनका, मां मैं इस भोजन में शबरी का बेर ढूंढ रहा हूं, प्रेम ढूंढ रहा हूं। भगवान तो भूखे भाव के नहीं मांगते दाम।